आज के 10 दिसंबर के ईश्वर वरदान में आप सबका स्वागत है। परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो योग युक्त होकर के और युक्ति युक्त होकर के करें। बहुत सारा समय हमारा चले जाता है सोचने में, और वो ज़्यादा सोचने में समय तब चले जाता है जब हमारे अंदर देह का अभिमान होता है। और देह अभिमान मतलब कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएँ होती हैं, कामनाएँ होती हैं, जिस कारण से या तो हम लोभ में जा रहे होते हैं, जिस कारण से हम या तो ईर्ष्या में जा रहे होते हैं, या तो फिर हमारे संकल्प हो रहे होते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ें और दूसरा ना आगे बढ़ पाए, कैसे हम औरों से बेटर कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ, और लोग हमसे पीछे रह जाएं, या बहुत सारे संकल्प ऐसे आते हैं जो कि हमें देह अभिमान में लेके आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि हम जो भी कर्म करें वो कर्म योगी होकर करें, मतलब कि जो कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा की याद में रह करके करें। तो देखें, आज का ये बहुत इम्पोर्टेंट ईश्वरीय वरदान है, हमें विस्तार में समझाता क्या है। परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त करने वाले। योग युक्त मतलब कनेक्शन, योग मतलब यूनियन विद गॉड, परमात्मा से कनेक्शन रख करके करना। वैसे कहा भी जाता है ना कि हम तो कठपुतली हैं, हमारी डोर परमात्मा ने पकड़ी हुई है। अब परमात्मा ने वो डोर पकड़ी है कि राक्षस या रावण या शैतान ने पकड़ी हुई, वो आप ही जानते हैं। अगर आप क्रोध अहंकार ईर्ष्या घृणा नफरत से कर्म कर रहे हैं तो फिर राक्षस ने या रावण ने पकड़ी हुई है डोर, परमात्मा ने नहीं पकड़ी हुई डोर। लेकिन अगर आप नम्रता धैर्यता पवित्रता सादगी मधुरता और सहनशीलता से अगर आप कर्म करते हैं तो फिर वो सारे क्वालिटीज शैतान के नहीं, वो परमात्मा की क्वालिटीज हैं। तो इसका मतलब आपने अपनी डोर किसको दी हुई है? परमात्मा को। ये समझना जरूरी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त, युक्ति युक्त मतलब जिससे कि किसी का बुरा ना हो, हर किसी का भला हो, हर किसी को फायदा हो। करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भवा। कर्म करने वाले योगी, परमात्मा को याद करते हुए कर्म करने वाले योगी। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है, साधारण कर्म परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा कहते हैं जो ईर्ष्या में आकर के, अहंकार में आकर के, क्रोध में आकर के गलत फहमियां प्रोड्यूस करने वाले कर्म किए जाते हैं वो साधारण कर्म है। क्योंकि लोग आज कहते हैं ना, ये तो साधारण है, ये तो नॉर्मल है, क्रोध करना नॉर्मल है, अहंकार में आना नॉर्मल है, कम्पीट करना नॉर्मल है, जलस होना नॉर्मल है, ये चीज़ें तो हमें चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो परमात्मा उसको कहते हैं कि साधारण, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है, परमात्मा के गुण नहीं है उसके अंदर। और व्यर्थ कर्म क्या हो गया? आपने कोई कर्म किया जिसमें आपने समय वेस्ट किया, अपना भी और औरों का भी वेस्ट किया, किसी को ईर्ष्या में ले आया, किसी को गलत दिशा दिखा दी आपने, किसी को आपने क्रोध में ले आया आपके वचनों के द्वारा, वो सारे क्या हो गए? वेस्ट कर्म हो गए। व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे, मतलब कि आपने वो डोर जो परमात्मा से जो कनेक्टेड थी डोर, उसको आपने काट दिया, आपने फिर राक्षस को या रावण को आपने डोर दे दी। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार, कि हमें परमात्मा से प्यार है कि शैतान से प्यार है। परमात्मा से प्यार है तो परमात्मा के गुण यूज किए जाएंगे, शक्तियां यूज करी जाएंगी कर्म करने के लिए, जो कर्म योगी कहा जाता है। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर प्यारा लगता है, माँ को बच्चे प्यारे लगते हैं तो सदा याद आते रहते हैं। उसी तरह से परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें मैं याद आऊंगा, तुम्हें और कोई मोह या मोहने वाली चीज व्यक्ति याद नहीं आएगा। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या आपको परमात्मा आकर्षित करते हैं कि दुनिया आकर्षित करती है? ये आपको खुद अपने आप से पूछना है। अगर दुनिया आकर्षित करती है तो बहुत पीड़ा है, एंग्जाइटी डिप्रेशन है। अगर परमात्मा अट्रैक्ट करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें, आप उन चीज़ों से मुक्त हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं। जो हर सेकंड हर संकल्प, हर सेकंड ये खजाना है, हर संकल्प, आज संकल्प भी एक खजाना है, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो, और एक बाप से दिल का प्यार हो, तो तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। तो समय, संकल्प, श्वास और बोल, ये सारी चीजें खजाने हैं। इन सारी चीजों को हमें तौल करके, नाप तौल करके इस्तेमाल करना है, तब जाके हम कर्मयोगी कहलाए जाएंगे। क्या हम ये करना जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आप ब्रह्म कुमारी में आकर के ये ईश्वरीय वरदान को लीजिए, ताकि आपको और गहराई से समझ आए और आप हल्के होते जाए अच्छे कर्म करते करते। इसके साथ ओम शांति।